हेलो टू ऑल माय ब्रदर्स सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग सलीम पे। तो अभी मैं आई हूं रूम दली फ्लोरा फार्म पे। तो यहां पर कौन कौन सा प्लांट उगाया जाता है और कौन कौन सा वैरायटी का प्लांट यहां पर ग्रो किया जाता है, कौन से प्रोसेस से किया जाता है, वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में दिखाऊंगा। इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं जितने भी अपलोड करूंगा तो वीडियो सबसे पहले आप। तो चलिए देखते हैं रूम दली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैक्टस का जो सीड होता है वो स्पॉट में कम्युनिटी पॉट में उसको अच्छे से लगा दिया जाता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर आगे देख सकते, ना कि सिर्फ कैक्टस, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज इसी तरह से जो गैस्ट्रिया का, जो एलोवेरा गैस्ट्रिया का जो प्लांट होता है उसका भी कम्युनिटी पॉट में कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिटी पॉट में रखा दिया जाता है और बाद में इसको सेपरेट करके सिंगल पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी पॉट में यहाँ पर भी रखा गया है आर्मस्ट्रांग का वैरायटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो कैक्टस को किस तरह से ग्रो किया जाता है सीड से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैक्टस का जो सीड होता है उसको प्लास्टिक के डिब्बे या ग्रीन हाउस इफेक्ट दे के उसको अच्छे से जो टेम्परेचर होता है उसको अच्छे से हीट टेम्परेचर देखिए मेंटेन करके इसको ग्रो किया जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ इस तरह से इसको कम्युनिटी पॉट में ट्रांसफ़र करके बाद में इसको सिंगल पॉट में ट्रांसफर। जो सकुलेंट होता है, जो इचवीरा का प्लांट होता है उसका जो सीड होता है उसको भी सेम प्रोसेस कुछ इसी तरह के इसको इसी तरीके से इस पॉट प्लास्टिक के जो पॉट होता है उसमें ट्रांसफर उसको अच्छे से सीड छर के इसको अच्छे से ग्रो किया जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कैक्टस का जो सीड होता है उसको कम्युनिटी पॉट में जो अच्छे से मेंटेन किया जाता है उसको बाद में निकल के कुछ इस तरीके से सिंगल पॉट में ट्रांसफर किया जाता है और कुछ इस तरीके का साइज निकल के आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे वराइटीज में यहाँ पर कैक्टस को इस तरीके से यहाँ पर रख दिया जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे सिंगल पॉट में ट्रांसफ़र करके इस तरह से जो नर्सरी का बेड होता है उसके ऊपर रखा जाता है ताकि नीचे जो जगह बचे उसमें भी कुछ प्लांट लगा सके। तो कैक्टस को ग्रो होने के लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर और हीट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नर्सरी में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ किया गया है, जो इस नर्सरी में प्लास्टिक की यूज़ किया गया है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखते हैं जिम्नो कैल्शियम का भी वैरायटी आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए जिम्नो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा सुंदर और डिफरेंट शेप और साइज में दिखाई दे रहा है आपको कुछ इस तरीके से, एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक जिम्नो कैल्शियम का वैरायटी है, ना कि सिर्फ कैक्टस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरमेलन का जो वैरायटीज का प्लांट होता है वो भी उगाया जाता है, जो पेपरमिया का प्लांट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपरमिया का प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा था पेपरमिया का प्लांट, ये भी यहाँ पर उगाया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो फिलोडेंड्रन जो बर्किंस का वैरायटी है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर ही उगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो सेंसिविरा का प्लांट होता है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही मास प्रोडक्शन में यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसको बाद में यहाँ का ओनर सेल कर सके। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अगर आपको प्लांट की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए और मैं यहाँ आपका कांटेक्ट नंबर आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो सेंसिविरा का प्लांट होता है इसी तरीके से बहुत ही मास प्रोडक्शन में यहाँ पर तैयार किया जाता है, ताकि मार्केट में इसकी कोई भी कमी ना हो सके।
यहाँ का ऑनर जो रवि रुंदली सर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही न्यू वैरायटी बहुत ही रेयर वैरायटी कलेक्शन करके रखा है। तो यहाँ ये नर्सरी जो नर्सरी है ये कलेक्शन का नर्सरी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे वैरायटीज में यहाँ पर कलेक्ट किया गया हुआ है ऐसे बहुत सारे वेरीगेटेड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिथोक्स का वैरायटी है ये भी बहुत ही रेयरली आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से जिम्नो कलेक्शन का जो वैरायटी है यहाँ पर वेरीगेटेड में, तो ये आपको रेयरली देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल कलर अभी इसका हाईली डिमांड है, तो इसको डिमांड के देखने के वजह से तो यहाँ पर ग्रो किया गया है। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और अच्छी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी नॉलेज मिलता है तो बने रहे मेरे साथ, मेरे सॉरी मारा देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग।